चार गेंद में चार विकेट लेकर श्रेयंका पाटिल ने पहले बैंगलोर की आईपीएल का चैंपियन बनाया, फिर कोहली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी को इसका पूरा श्रेय देते हुए कुछ ऐसा कह गई करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही जीत लिया। तो आखिर कैसे श्रेयंका पाटिल बनी बैंगलोर के पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने की हीरो, ऐसा क्या कुछ कहा उन्होंने आंखों में आंसू लिए विराट कोहली को ये ट्रॉफी समर्पित करते हुए। सब कुछ तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, धोनी और स्मृति में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, पहली बार बैंगलोर की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंची थी, उसके पास 16 सालों में पहली बार आईपीएल जीतने का सुनहरा मौका था। हालांकि शुरू में तो दिल्ली ने बैंगलोर को कहीं का नहीं छोड़ा, 6 ओवर में 64 रन बना लिए, लेकिन फिर होता है बैंगलोर की वापसी का शंखनाद। पहले सूफी मोलिन्यू ने 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर बैंगलोर को मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया, तो फिर आता है श्रेयंका पाटिल का तूफान, जिसके सामने तो दिल्ली की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली की कप्तान मैग लैनिंग का शिकार कर दिल्ली की कमर तोड़ी, तो फिर दिल्ली के बाकी बचे हुए 3 बल्लेबाजों को अकेले दम पर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं की घातक गेंदबाजी का नतीजा था कि बैंगलोर ने दिल्ली को 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए और केवल 113 रनों पर ही ढेर कर दिया, जहां श्रेयंका पाटिल ने 3 ओवर गेंदबाजी करते हुए केवल 12 रन दिए और कुल 4 बल्लेबाज के विकेट अपने नाम कर उन्होंने बैंगलोर की जीत की कहानी लिख डाली। बस फिर क्या था, इस लक्ष्य का पीछा करने बैंगलोर के लिए कहां मुश्किल था। बैंगलोर के बल्लेबाजों ने आसानी से न केवल इसे हासिल किया बल्कि इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया और पहली बार बैंगलोर आईपीएल इतिहास की चैंपियन बनी, चाहे वो वुमेन आईपीएल ही क्यों ना हो। ये उपलब्धि बहुत बड़ी है श्रेयंका पाटिल ने जिसमें बहुत बड़ा योगदान निभाया। तभी तो मैच खत्म होने के बाद जैसे ही उन्हें जीत का हीरो बताया गया, वो तो बेहद भावुक हो गई, उनकी तो आंखों से आंसू ही आ गए। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, आप मेरी आंखों में आंसू देख सकते हैं, हम सब ने इसके लिए खूब मेहनत की है। जब हम शुरू में हारे थे तब सभी ने हमारा खूब मजाक उड़ाया था, लेकिन हमें खुद पर भरोसा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने, मेरे सभी साथियों ने, कोचिंग स्टाफ सभी ने खूब मेहनत की और उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं ये सब कुछ विराट भैया के नाम करना चाहती हूँ, क्योंकि वो सब हम सब की प्रेरणा है, उन्हीं की वजह से हमें जोश आया और हम ये सब कर पाए हैं। मेरी ये परफॉर्मेंस उनके लिए है। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे उन्होंने तो अपना प्रदर्शन विराट कोहली के नाम करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया, तो वहीं धोनी को भी उन्होंने अपना आदर्श बताया और महेंद्र सिंह धोनी का भी आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने अपने इस लाजवाब प्रदर्शन का श्रेय धोनी को भी दे दिया, जिनका ये बयान देखते ही देखते बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि धोनी, कोहली और स्मृति मंधाना में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, फाइनल की घड़ी में हुआ कुछ ऐसा देख पूरी दुनिया हो गई दांतों तले, उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाइनल की जंग में शेफाली के तूफान में उड़ी बैंगलोर की पलटन, तो फिर मोलिन्यू के साथ मिल बैंगलोर के गेंदबाजों ने बिछाया फिरकी का ऐसा माया जाल, तख्ता पलट कर रख दिया पूरे मैच का रुख। तो आखिर कैसे मोलिन्यू ने 3 गेंद पर लगातार 3 विकेट लेकर बैंगलोर की कराई इस मुकाबले में वापसी। आखिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बाद कितने रनों का लक्ष्य दिल्ली दे पाई? बैंगलोर को कौन सी टीम है, किस पर हावी, कैसे बैंगलोर ने पल भर में पूरा मैच अपनी झोली में डाला, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल और बैंगलोर में कौन जीतेगा फाइनल, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वुमेन प्रीमियर लीग अपने अंतिम परिणाम पर आ पहुंचा है, जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो मैच शुरू हो गया, दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह शेफाली वर्मा और कप्तान मैग लैनिंग उतरी। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहले ओवर फेंकने आई रेणुका ठाकुर, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे रेणुका ने अपने पहले ही ओवर में 9 रन लुटा दिए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आई मैलिन शेफाली वर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अपने टीम का स्कोर को शेफाली वर्मा तेजी से आगे बढ़ाने लगी। दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 2 ओवर में ही 19 रन बन गया। बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। कप्तान मंधाना ने तीसरे ओवर फेंकने के लिए एलिस पेरी को गेंद थमाई। पेरी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में केवल 3 रन दिए, लेकिन शेफाली वर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। टीम के लिए चौथे ओवर फेंकने आई रेणुका सिंह की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा ने बेहतरीन अंदाज में एक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी शेफाली वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 रन दौड़े, तो वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर कप्तान मैग लैनिंग भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। रेणुका की 5वीं और अंतिम गेंद पर लैनिंग ने 2 बेहतरीन चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और इस ओवर में इस दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद बिना दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आई एलिस पेरी, इनको भी शेफाली वर्मा ने नहीं छोड़ा। तीसरी गेंद पर बेहतरीन अंदाज में एक छक्का जड़ दिया। इसके बाद भी शेफाली वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर शेफाली ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर 52 रन हो चुका था और इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली थी। इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक बेहद ही खुश नजर आ रहे थे। दिल्ली कैपिटल का खेमा खुशी से झूम रहा था। शेफाली वर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ चुकी थी।
टीम के लिए छठवां ओवर फेंकने आई डिवाइन शेफाली वर्मा और मैग लैनिंग ने डिवाइन को भी नहीं छोड़ा। वर्मा ने दूसरे ही गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। अंतिम गेंद पर लैनिंग ने भी अपने बल्ले का मुंह खोलकर डिवाइन को चौका जड़ दिया। दिल्ली कैपिटल का स्कोर 6 ओवर में ही 61 रन बन चुका था। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। उन्हें विकेट की तलाश थी लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुकी थी। लेकिन टीम के लिए आठवां ओवर फेंकने आई मौली नक्श ने अपने ओवर की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा को कैच आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली की टीम को 64 रनों के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया लेकिन कप्तान मैग लैनिंग मैदान पर टिकी हुई थी और उनका साथ देने के लिए जैमिमा आई। लेकिन मैली नक्श की खतरनाक गेंदबाजी के आगे वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा बड़ा झटका लग गया। इसके बाद भी सोफी मौली नक्श रुकी नहीं और मैदान पर आई नई बल्लेबाज एलिस कैप्सी को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की कमर तोड़ दी। एक ही ओवर में सोफी मैली नक्श ने 3 विकेट झटक कर पूरे क्रिकेट जगत को दंग कर टीम का स्कोर 65 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम एक बार में नजर आने लगी। वहीं बैंगलोर पूरी तरह से हावी नजर आ रही थी लेकिन मैदान पर मैग लैनिंग और मैरी जानी काप बल्लेबाजी कर रही थी। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने टीम के स्कोर को 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की बैटिंग रुकने का नाम नहीं ली। जिस तरह से दिल्ली कैपिटल्स बल्लेबाजी कर रही थी वो देखकर तो यही लग रहा था कि बैंगलोर के सामने दिल्ली कैपिटल्स बड़ी आसानी से 180 रनों से अधिक का टारगेट देने में सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी दोस्तों बैंगलोर की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से हर किसी को दंग कर दिया। इतना ही नहीं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बड़े बड़े खिलाड़ी भी इस महिला क्रिकेटर के दीवाने बन चुके और फिर दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। तो आखिर विराट कोहली से लेकर मोहम्मद सिराज यहां तक कि मैक्सवेल एबी डिविलियर्स के साथ साथ फाफ डु प्लेसी के भी तारीफ में बयान देते हुए हर किसी को अपना बना लिया है। क्या कुछ इन बड़े बड़े खिलाड़ियों ने एलिस पेरी की तारीफ में बयान देते हुए कहा है ये तो आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली रोहित शर्मा और मैक्सवेल में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इस समय वुमेन प्रीमियर लीग का घुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की टीम ने एलिमिनेटर राउंड में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली। इस मुकाबले में बैंगलोर की सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी एलिस पेरी ने पहले अपने बल्ले से कमाल दिखाते हुए 66 रन बनाए तो फिर अपने गेंद से भी जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए 1 विकेट झटक कर अपनी टीम आरसीबी को फाइनल पहुंचा दिया। इस खिलाड़ी की तारीफ चारों तरफ पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। हर कोई इस खिलाड़ी का दीवाना बन चुका है। इस खिलाड़ी ने अपनी छाप अपने प्रदर्शन से हिंदुस्तान में छोड़ दी है। हर कोई एलिस से काफी उम्मीद कर रहा है। अब रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का सामना फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल से होने वाला है। इस मैच में भी बैंगलोर के चाहने वाले फैंस एलिस पेरी से बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की आशा कर रहे हैं। हर किसी की निगाहें फाइनल पर टिकी हुई है। 17 मार्च को दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। हर किसी की निगाहें एलिस पेरी पर टिकी हुई है क्योंकि एलिस पेरी ने इस लीग में हर किसी का दिल जीत लिया है। वहीं इस महिला क्रिकेटर का खेल देखकर बैंगलोर टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान रह गए। फाइनल की घड़ी में हुआ कुछ ऐसा देख पूरी दुनिया हो गई दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाइनल की जंग में शेफाली के तूफान में उड़ी बैंगलोर की पलटन तो फिर मौलिन्यू के साथ मिल बैंगलोर के गेंदबाजों ने बचाया फिरकी का ऐसा माया जाल। तख्ता पलट कर रख दिया पूरे मैच का रुख। तो आखिर कैसे मौलिन्यू ने 3 गेंद पर लगातार 3 विकेट लेकर बैंगलोर की कराई इस मुकाबले में वापसी। आखिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के बाद कितने रनों का लक्ष्य दिल्ली दे पाई। बैंगलोर को कौन सी टीम है किस पर हावी कैसे बैंगलोर ने पल भर में पूरा मैच अपनी झोली में डाला उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल और बैंगलोर में कौन जीतेगा फाइनल नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग अपने अंतिम परिणाम पर आ पहुंचा है जिस मैच का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो मैच शुरू हो गया। दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मैग लैनिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने हर मैच की तरह शेफाली वर्मा और कप्तान मैग लैनिंग उतरी। वहीं बैंगलोर की तरफ से पहले ओवर फेंकने आई रेणुका ठाकुर लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की खतरनाक बल्लेबाजी के आगे रेणुका ने अपने पहले ही ओवर में 9 रन लुटा दिए। वहीं टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आई मैलिन शेफाली वर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर शेफाली वर्मा ने ऐसा शानदार छक्का जड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। अपने टीम का स्कोर को शेफाली वर्मा तेजी से आगे बढ़ाने लगी। दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 2 ओवर में ही 19 रन बन गया। बैंगलोर की कप्तान स्मृति मंधाना इन दोनों की
बल्लेबाजी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गई। कप्तान मंदाना ने तीसरे ओवर फेंकने के लिए एलिस पेरी को गेंद थमाई। पेरी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में केवल 3 रन दिए, लेकिन शेफाली वर्मा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रही थी। टीम के लिए चौथे ओवर फेंकने आई रेणुका सिंह की पहली गेंद पर शेफाली वर्मा ने बेहतरीन अंदाज में एक छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी शेफाली वर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 रन दौड़े तो वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर कप्तान मैग लैनिंग भी अपने बल्ले का मुंह खोलना शुरू कर दिया। रेणुका की 5वीं और अंतिम गेंद पर लैनिंग ने 2 बेहतरीन चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया और इस ओवर में इस दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया।